भारत में न्याय की देवी की मूर्ति में कुछ बदलाव किए गए हैं। न्याय की देवी अब हमें दूसरे रूप में नजर आएंगी। आखिर न्याय की देवी लेडी ऑफ जस्टिस का जन्म कहाँ हुआ था? लेडी ऑफ जस्टिस भारत में कहाँ से आई थी? लेडी ऑफ जस्टिस का इतिहास कितना पुराना है? लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति के क्या प्रतीक हैं? लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति के प्रतीक हमें क्या बताते हैं? आइए आज के वीडियो में जानते हैं न्याय की देवी कौन है। न्याय सबके लिए है और न्याय की देवी के सामने सभी बराबर हैं। इस दार्शनिक सिद्धांत की प्रतीक न्याय की देवी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की अदालतों में, कानून और उससे जुड़े संस्थानों में सदियों से मौजूद है। आंखों पर पट्टी बांधे, एक हाथ में तराजू लिए, दूसरे हाथ में तलवार लिए, न्याय की देवी की प्रतीकों में भारत में बदलाव की पहल की गई है। न्याय की देवी की आंखों की पट्टी खोल दी गई है, एक हाथ में तलवार की जगह संविधान आ गया है। हम आपको बताते हैं कि न्याय की देवी का क्या अर्थ है, इसमें क्या संदेश है और क्या प्रतीक है। न्याय की देवी का जन्म कहाँ हुआ था और इसे दुनिया भर में क्यों अपनाया गया। लेडी ऑफ जस्टिस का इतिहास अगर देखा जाए तो न्याय की देवी यानी लेडी ऑफ जस्टिस का इतिहास कई हजार साल पुराना है। इसकी अवधारणा प्राचीन ग्रीक और मिस्र की सभ्यता के दौर से चली आ रही है। न्याय की देवी जिसे लेडी ऑफ जस्टिस कहते हैं, इनकी प्राचीन छवि मिस्र की मात देवी से भी मिलती जुलती है। मात मिस्र की प्राचीन सभ्यता में सत्य और व्यवस्था की देवी मानी गई है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में न्याय की देवी थेमिस और उनकी बेटी डेमिस हैं, जिन्हें एस्ट्राया नाम से जाना जाता है। प्राचीन यूनानी दैवीय सिद्धांत और रीति रिवाजों की प्रतिमूर्ति देवी थेमिस और उनकी बेटी डिकी की पूजा करते थे। डिकी को हमेशा तराजू के साथ चित्रित किया जाता था और ऐसा माना जाता था कि वह मानवीय कानून प्रशासन करती हैं। प्राचीन रोम में डिकी को जस्टिटिया भी कहा जाता था। ग्रीक देवी थेमिस कानून, व्यवस्था और न्याय का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि रोमन सभ्यता में देवी मात थी, जो कि व्यवस्था के लिए खड़ी एक ऐसी देवी थी जो हाथ में तलवार और सत्य के पंख रखती थी। हालांकि मौजूदा न्याय की देवी की सबसे सीधी तुलना रोमन न्याय की देवी जस्टिटिया से किया जाता है। ग्रीक सभ्यता यूनान की ज्ञात सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ग्रीक सभ्यता में हजारों देवी देवताओं की मान्यता रही है। वहाँ खेत, अंगूर, शराब, पानी, हवा, आकाश, रंगमंच, संगीत जैसी हर चीज के लिए एक देवी या एक देवता है। प्राचीन ग्रीक के लोग अगाध भाग्यवादी थे और अपने हर काम में दैवीय मौजूदगी मानते थे। ये उनके अध्यात्म का प्रतीक था या उनका दर्शन था जिससे वो मार्गदर्शन लिया करते थे। न्याय के लिए भी उन्होंने अपनी कल्पना में ऐसी फिलॉसफी सामने रखी जो एक प्रतीक के रूप में सामने आई और दुनिया भर में अपनाई गई। अगर हम देखें तो पुनर्जागरण काल में यूरोप में मिथकों का निर्माण भी चलता रहा। नए उभरे गए राज्यों में न्याय की देवी नागरिकों के लिए कानून और न्याय की एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई थी। ये राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का समर्थन करते थे, लेकिन इसमें लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ न्याय की निष्पक्षता का महत्वपूर्ण सिद्धांत अहम था। न्याय की देवी के प्रतीक को दर्शाने वाली कलाकृतियां, पेंटिंग, मूर्तियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया की अदालतों में, कानून से जुड़े दफ्तरों, कानूनी संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों में न्याय की देवी की प्रतिमाएं और तस्वीरें देखने को मिलती हैं। न्याय की देवी के इतिहास को देखें तो यूनानी सभ्यता से न्याय की देवी यूरोप और अमेरिका पहुँचती है। 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज न्यायालय अधिकारी भारत लाया था। ब्रिटिश काल में 18वीं शताब्दी के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति का सार्वजनिक इस्तेमाल किया गया था। भारत की आजादी के बाद न्याय की देवी को उसके प्रतीकों के साथ भारतीय लोकतंत्र में स्वीकार किया गया। अलग अलग देशों में न्याय की देवी के कुछ अलग अलग रूप देखने को
मिलते हैं। लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति आमतौर पर एक खड़ी या बैठी महिला के रूप में होती है, जो कि आमतौर पर नंगे पैर होती है। उसके बाल या तो बंधे हैं या कंधों तक लटके रहते हैं। कहीं कहीं पर बाल सिर के चारों तरफ फैले हुए दिखाए गए हैं। वो एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार रखती है। आमतौर पर तराजू बाएं हाथ में और दाएं हाथ में तलवार होती है। करीब सभी जगह पर मूर्ति की आंखों में पट्टी बंधी रहती है। अगर हम इनके प्रतीकों को देखें तो हम पाते हैं तराजू निष्पक्षता और कानून के दायित्व को अदालत में पेश साक्ष्य का तौल कर परीक्षण करने को दर्शाते हैं। कानूनी मामले में प्रत्येक पक्ष को देखा जाना चाहिए और न्याय करते समय दोनों में तुलना की जानी चाहिए। तलवार सत्य, संपन्नता और सम्मान का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि न्याय अपने फैसले पर कायम है और कार्यवाही करने में सक्षम है। तलवार बिना म्यान के है, जो कि बहुत साफ तौर पर संकेत देती है कि न्याय पारदर्शी है। तलवार ये बताती है कि सबूतों की जांच के बाद किसी भी पक्ष के खिलाफ फैसला सुनाया जा सकता है और ये फैसले को लागू करने के साथ साथ निर्दोष पक्ष की रक्षा और बचाव करने में सक्षम है। तलवार अधिकार और अन्याय को दंडित करने की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इसी तरह से न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी पहली बार 16वीं शताब्दी में दिखाई गई थी। तब से इसका इस्तेमाल कई स्थानों पर किया जाता रहा है। आंखों पर बंधी पट्टी कानून की निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता को दर्शाता है, जिसका अर्थ यह है कि फैसले राजनीति, धन, प्रसिद्धि, शक्ति और उसकी स्थिति के अन्य चिन्हों को नहीं देख सकता है। अब भारत में न्याय की देवी की वेशभूषा में बदलाव किया गया है। भारत की न्याय की देवी की आंखों पर से पट्टी हटा ली गई है और उनके हाथ में तलवार की जगह संविधान आ गया है। न्यायपालिका ने ब्रिटिश शासन की परंपरा में बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश को संदेश दिया है कि अब कानून अंधा नहीं है। इसके अलावा सजा देने की प्रतीक देवी के एक हाथ में रहने वाली तलवार भी हटाई गई है, उसकी जगह संविधान ने लिया है। इससे संदेशा दिया गया है कि भारत का कानून भारत के संविधान से चलेगा।